एडीना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका भोपाल रोड सागर मध्य प्रदेश। भारत की आजादी में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था यानी 22 अगस्त 1942 को, तब सागर के गढ़ाकोटा निवासी साबूलाल जैन स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे। वो यूनियन जैक को निकालकर तिरंगा फहराने में लगे हुए थे, तभी गोली लगने से महज 15 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। लेकिन उनके आज परिवार की माली हालत ठीक नहीं है और उनके परिजन पंचर बनाकर गुजारा कर रहे हैं। बता दें कि गढ़ाकोटा के सुभाष वार्ड में 5 अगस्त 1923 को सुक्की जैन के यहाँ साबूलाल जैन का जन्म हुआ था। 22 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की गढ़ाकोटा नगर में तैयारियां चल रही थी, तभी नगर के मुख्य बाजार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इकट्ठे हो गए और उन्होंने नगर के थाने में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और नदी पार स्थित थाने में तिरंगा फहराने के लिए पहुंच गए। भीड़ देख सिपाहियों ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसी बीच साबूलाल जैन तिरंगा झंडा हाथ में लेकर थाने में फहराने के लिए पहुंचे, तो गोली लगने से वो जमीन पर गिर पड़े और शहीद हो गए। इस आंदोलन में कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। गढ़ाकोटा में साबूलाल जैन के नाम से स्मारक और स्कूल बना हुआ है। देश के लिए शहीद हुए अमर शहीद के परिजनों को आज तक शासन से कोई सुविधा नहीं मिली है। गढ़ाकोटा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र अरुण कुमार मलैया ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैसा कि मैंने अपने पिताजी से सुना है, चूँकि वे स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और सन 42 और 46 में 3 बार जेल गए। सन 32 में 4 माह की सजा और 50 रुपये जुर्माना, सन 46 में 1 माह, सन 42 में 1 माह, सन 46 में 15 दिन जेल में रहे। तो उनको ये पूरा अनुभव है 42 और 46 का। तो उन्हें ऐसा हमें बताया कि यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक जुलूस में करीब 100-200 आदमी नदी पार ध्वजारोहण करने गए थे पुलिस थाने के ऊपर। उसमें गढ़ाकोटा के 3 व्यक्ति, एक अमर शहीद साबूलाल, धनीराम दुबे और कुंजीलाल रावत, ये 3 आगे बढ़ गए थे। और साबूलाल जी ध्वज चढ़ाने के लिए पुलिस थाने पर आगे बढ़ गए थे। वहाँ गया प्रसाद करके एक थानेदार थे उस समय, उन्होंने गोली चालन करवा दिया। तो ये सब भागे, ध्वजारोहण तो किया, लेकिन ये भागते में इनको सही साबूलाल जी को गोली लगी, धनीराम दुबे को भी लगी और कुंजीलाल रावत को भी लगी। 3 लोगों को गोली लगी। उसके बाद में चूंकि इन लोगों को पैर में लगी थी, धनीराम दुबे और कुंजीलाल रावत को, तो इन लोगों का इलाज, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं कन्फर्म होता है, लेकिन शायद यही हुआ, और गढ़ाकोटा हॉस्पिटल में। और सही और साबूलाल जी को लेके जाना पड़ा सागर, क्योंकि उनको इंजर्ड ज़्यादा थी और वहाँ पर ही उनका इंतकाल हो गया। और वहीं पर फिर वहाँ के लोगों ने उनका, जो सागर में शहीद साबूलाल के नाम से स्मारक बना हुआ है, जो ये श्मशान है जो भी है, उनके नाम से ही उन्होंने वहाँ स्मारक बनाया। उनकी जन्मभूमि गढ़ाकोटा, उनके परिवारजन अभी भी गढ़ाकोटा में हैं। चूँकि वे अविवाहित थे, इसलिए शासन ने या उस समय उनके घर में कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं रहा कि जिसने उन्हें अपनी डिमांड की हो। और चूँकि ये तो पेंशन वेंशन का चक्कर अभी मेरे ख्याल से सन तो शहीद साबूलाल जी के नाती राजेश जैन का क्या कहना है, सुनिए। हमारा राजेश कुमार जैन, साबूलाल जी के कौन हो? हमारे पे बब्बा का है। तो क्या जानते हो साबूलाल जी के बारे में? ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी है कि 22 अगस्त 1942 में देश चलो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय भी झंडा चढ़ा भी जा रहे थे सब जनों के साथ। तो झंडा चढ़ा उन्होंने तो उस समय की सिपाही ने उन्हें गोली मार दी, शहीद।
क्या क्या ऐड हो आप लोग? तो सागर में हर चीज़ बनून को स्मारक धर्मशाला हर चीज़ गड़ाकूटा में कुछ नहीं जबकि मेन रही बारे गड़ाकूटा के यदि स्कूल बस खुलू और स्मारक है तो ऐसा ही है अच्छे स्मारक बने भव्य और हम तो चाहते हैं बहुत गर्व की बात है कि आज उनकी वजह से हम जाने जा रहे हैं भलाई शासन से कोई मदद नहीं मिली लेकिन इतना बहुत काफ़ी है गर्व है कि कम से कम जाने जा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ भी हो जाए मतलब अच्छा स्मारक बन जाए अच्छा भव्य। शासन ने अभी तक स्मारक भी अच्छा नहीं बनाया? नहीं नहीं। आप लोग क्या व्यवसाय करते हो? हम लोग यही पंचायत से जुड़ते हैं साइकिल से फिरेंगे कुछ काम नहीं। तो आप लोगों की मदद की आवश्यकता है? कुछ मिल जाए शासन से कुछ भी मिल जाए बहुत समय से रेगुलर मांग कर रहे कुछ शासन सुन ही नहीं रहा। जब उस समय हमारी माता राम हती उनको भी कैंसर था उस समय भी कोई सुनवाई नहीं आज के 10 साल से। हम आपको बता दें कि इस आंदोलन में नगर के कई और लोग भी शामिल हुए थे। कन्हैयालाल साबूलाल जी कौन है आप चाचा है? क्या क्या जानकारी है साबूलाल जी? जो मालूम के झंडा चढ़ा भी गए थे गोली मारते अंग्रेजी बयाली। ये आप पंचायत सुधार रहे हैं? पंचायत सुधार। ये और कोई शासन से मदद नहीं मिली? और नहीं। क्या चाहते हो? मिल जाए मदद मिल जाए। सागर टीवी न्यूज के लिए गढ़ा कोटा से रवि सोनी की रिपोर्ट। एडीना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल बी फार्मा एम फार्मा बी टेक एम टेक सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार कॉन्फ्रेंस देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पोकन इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन इंडस्ट्रियल विजिट कैंपस प्लेसमेंट खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स सर्वाधिक ग्रीन कैंपस एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए शहर के शोरगुल से दूर बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका भोपाल रोड सागर मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396 8109570490।